गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं बेटा? आज हम करेंगे चैप्टर 9 परसेंटेज, इसकी इंट्रोडक्शन है आपके पास। ओपन योर बुक बेटा, परसेंटेज चैप्टर 9 फिफ्थ मैथ्स है। परसेंटेज इसकी इंट्रोडक्शन है बेटा, कि इस चैप्टर में क्या है। देखिए बेटा, वी नो दैट द नंबर 100 हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द लाइफ। कि 100 की कितनी वैल्यू है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज किसके बराबर है? 100 के। ये है 100 और ये है परसेंटेज का साइन, ऑब्लिक करके आपने यहाँ दो बिंदु लगाने, इसे कहते हैं परसेंटेज। क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो ये देखिए आप चैप्टर 9 थोड़ी सी रीडिंग लेंगे। ये देखिए आपका चैप्टर 9। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसकी रीडिंग। वी नो दैट द नंबर 100 हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। इट इज़ यूज इन ऑल करेंसी नोट्स। कहते हैं इसका प्रयोग हर करेंसी में, हर रुपीज़ में होता है। इट इज़ द टोटल मार्क्स दैट कैन बी स्कोर्ड इन ए पेपर इन स्कूल एग्जामिनेशन। और स्कूल एग्जामिनेशन में भी 100 मार्क्स का जैसे पेपर होता है। एंड इन क्रिकेट इफ ए प्लेयर स्कोर्स 100 रन्स, और 100 रन्स की क्या होती है? सेंचुरी। क्या होती है? सेंचुरी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ 100 इज फाउंड इन मैथमेटिक्स टू। और 100 का महत्व मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स में भी है। एंड इज़ यूजफुल इन कंपेयरिंग सिचुएशंस एंड क्वान्टिटीज़। द टर्म परसेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंट। ये वर्ड कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड है परसेंट। आउट ऑफ 100, इसका मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से, मार्क्स हो, कुछ भी हो सकता है। दस वी कैन से दैट ए फ्रैक्शन नंबर विद 100 एज डिनोमिनेटर इज नोन एज परसेंटेज। डिनोमिनेटर आपको बताया था कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं एक फ्रैक्शन में, लाइक दिस। देखिए बेटा, जैसे ये है आपके 5/6, दिस इज आवर फ्रैक्शन। इसको मैंने आपको बताया था हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भिन्न। लेकिन इसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। सब बच्चे यहाँ तक पहले क्लियर करें। परसेंट के साइन ये होता है 100 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से उतारिए अपने अपने नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान दें। अब है आपका नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या अंतर है और फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब है जैसे व्हेन वी से दैट राहुल गॉट 95% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, वी मीन दैट ही गॉट 95% आउट ऑफ द 100 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं जैसे राहुल ने कहा कि 95% मार्क्स ही है। 95% इसका मतलब क्या हो गया? 95 कितने में से नहीं है? 100 में से। अगर मैं कहूँ 35% मार्क्स लिए हैं तो 100 में से कितने लिए हैं? 35। अगर मैं बोलूँ 27% मार्क्स लिए हैं तो 100 में से कितने आ गए? 27। ओके स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं फ्रैक्शन। परसेंटेज ज्ञात करना और फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है, तो सब बच्चे एक बार ध्यान से देखिए। और यही आपके बुक में थ्योरी में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा परसेंटेज, इसकी इंट्रोडक्शन है आपके सामने। कहते हैं एक्सप्रेसिंग एज ए परसेंटेज इनटू ए फ्रैक्शन और डेसिमल, टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और डेसिमल, द परसेंटेज न्यूमेरल इज डिवाइडेड बाय 100। इसे कहते हैं डिवाइडेड बाय 100।
देखिए बेटा, एक एग्जांपल ये भी है कि आप इसको डेसिमल में कैसे शो कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब तो हमने एक पकड़ लिया 95% मतलब 95/100। अगर मैं बोलूँ 25/10, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? कितनी जीरो है? वन। कितनी जीरो है? वन। तो ऊपर वन के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये वन है, इसके बाद डेसिमल लग गया, तो आंसर आया 2.5। अगर मैं बोलूँ 34/100 है, इसको डेसिमल में कैसे यूज़ करोगे? 1, 2, जितनी जीरो उसके बाद दशमलव लगता है, डेसिमल लगता है, पॉइंट लगता है, 1, 2, 1, 2, तो यहाँ लग गया 0.34। इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं? जीरो। लाइक दिस। अब है 1000, कितना है? 1000, 1, 2, 3, 1, 2, ये है 1, ये है 2, या 1, 2 हो गया, या तीसरा पॉइंट पे इससे पहले हम क्या लगा देंगे? जीरो। उससे पहले फिर क्या लगेगा? पॉइंट। उससे पहले हम पॉइंट लगा सकते हैं। दिस इज आवर आंसर। तो ये आपका परसेंटेज का चैप्टर है, इसमें इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सब बच्चे इस चैप्टर को, इस थ्योरी को, पेज नंबर आपका बनता है चैप्टर 9 परसेंटेज का 87। तो आपको अच्छे से पहले इसको रीड करना है, देन आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे ब्लैक बोर्ड से देखकर कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, और परसेंटेज का साइन क्या है, और अगर आपको एज ए परसेंटेज लिखना है तो कैसे लिखोगे, और इसको डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान दें। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कुछ फ्रैक्शंस को दिया हुआ है, आपको उसको परसेंटेज में बदलना है। लाइक दिस, देखिए क्या है। सब बच्चे ध्यान से देखें, ये सबको क्लियर हो गया है। देखो बेटा, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया? 25, 25%। अब देखिए 4/25 था, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 × 25, 25 × 100। अब 4 और 4 में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16, 16%। तो ये है आपका आंसर। जब आप ये चैप्टर रीड करेंगे, जब चैप्टर को सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया हमने, मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है, तो आपको इजी होगा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एट डेसिमल्स। जैसे कि मैंने आपको ये पॉइंट करवाया था, 45% को एज ए डेसिमल के रूप में भी करेंगे, आप कैसे कर सकते हैं? 45/100, 45% को हमने 100 से कन्वर्ट किया, 100 में से 45, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 1, 2, 1, 2, इसके बाद क्या लगेगा? 0.045 आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक आपका स्टेप बनता है, व्हाट इज
25% ऑफ 500। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे हम, 25% मतलब 25/100, 25% मतलब 25/100, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 500। अब 20 से 20 कट गई, 25 और 5 में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 125। तो आंसर आ गया 125। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका चैप्टर 9 परसेंटेज। आपने इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस आपने रफ नोटबुक में टेस्ट कॉपी में भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया कि परसेंटेज में हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से उतार लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे। चैप्टर 9 है आपका और इन क्वेश्चंस के आधार पर इसकी प्रैक्टिस आपकी जब एक्सरसाइज करेंगे उसको सॉल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। सब बच्चे ब्लैक बोर्ड से ध्यान से देखिए आपने क्या क्या पॉइंट्स यूज़ किए हैं, कि इसको कैसे डेसिमल में किए हैं, परसेंटेज का क्या साइन है, और क्वेश्चन था व्हाट इज 25% ऑफ 500, कोई भी पॉइंट हो सकता है बच्चे। तो इसका नेक्स्ट देखिए व्हाट इज 25 वाला, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम। व्हाट इज 20, इसका नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज 20% ऑफ 200, 20% ऑफ 200, 20% मतलब 20/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 200 का 200, करिए इसको सॉल्व 20 से 20। अब आपने क्या करना है, इसके और इसके बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 2 2 4 क्या आ गया 40, दिस इज आवर आंसर। इसका एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको देती हूँ व्हाट इज 30% ऑफ 200, करिए इसको, ये हमने क्वेश्चन कर दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, व्हाट इज 30% ऑफ 200, प्रैक्टिस के लिए आपका, करिए इसको सॉल्व बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, 2 मिनट्स हैं आपके पास, और जिसको ये समझ में आ जाए 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कर लिया आप लोगों ने, देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। 30% था, मैंने आपको पहले ही बताया था 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 200 का 200, 20 से 20 कट हो गई, एक की वैल्यू नहीं है, 30 और 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, करिए क्या आएगा 200 2 3 6, तो आंसर कितना आ गया 60, दिस इज आवर आंसर। तो ये है आपका चैप्टर 9 परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों ने कर लिया,
इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आप अपनी रफ नोटबुक में। सब बच्चे ध्यान से करें। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इनको और सॉल्व खुद करेंगे बेटा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आप बेटा अलग से एक टेस्ट कॉपी ज़रूर बनाएं, उसमें सॉल्व करें। जो आपको पीडीएफ मिलता है उससे आप अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस एज ए प्रैक्टिस इन टेस्ट कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखिए इसके जैसा। सब बच्चे ध्यान दें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। अब इसके टू पार्ट्स है, देखिए आप खुद करेंगे इसको सॉल्व। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे इसको। दो क्वेश्चन हो रहे हैं इसी जैसे ही। व्हाट इज 40% ऑफ 400? क्वेश्चन है व्हाट इज 30% ऑफ 600? तो ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, आप खुद करेंगे बेटा इसे। डू इट। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, सॉल्व इट। करिए बेटा इसको अपने आप। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। All students write carefully from the blackboard. स्टूडेंट्स, कर लिया आप लोगों ने? देखिए बेटा आपने कैसे करना है इसे। जल्दी करिए, डू फास्ट। हलवाई। सब बच्चे ध्यान से लिखे बेटा, डू इट। कन्फेक्शनर को हिंदी में क्या कहते हैं? मीठे काजू अखरोट हलवाई कहते हैं। स्टूडेंट्स, 40% मतलब एंड 30% मतलब 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 400 देन 600 जो आपके पास स्टेटमेंट में है, डिजिट में है। अब देखिए, जीरो से जीरो कट, दो जीरो से दो जीरो कट। आप करिए 40 को 4 से मल्टीप्लाई, 40 को 4 से मल्टीप्लाई, इधर करेंगे 30 को 6 से मल्टीप्लाई। करिए बेटा इसको, 400 4 4 16, तो कितना आ गया 160। ये आपका क्या आ गया आंसर। 600 6 3 18, तो कितना आ गया 180 आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, इजी है ना? इस प्रकार आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, घर पर रहकर पढ़ाई करनी है और आपको जो पीडीएफ मिलता है उससे अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है।
ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर।